मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पार्ट दो पढ़ रहे हैं, पार्ट दो में हमने सारे आंतरिक भाग भी पढ़ लिए हैं। मैंने प्रश्न पहला और दूसरा भी कराया है। आपको जो काम दिया गया है वो आप कर रहे होंगे, किताबें आप ले चुके होंगे। जिन्होंने नहीं ली वो किताबें जल्द से जल्द ले लीजिए और काम करिए, पढ़ाई भी करिए, ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें। तो आज हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य में ही प्रश्न तीसरा, जो कि है रिक्त स्थान भरो। आपको पार्ट तीन से संबंधित रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप इनको भरेंगे। मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना बता रही हूँ, आप कॉपी में भी करेंगे और किताब में भी भरेंगे। चलिए, तो पहला हमारा क्या है, कह वाला, हम की सहायता से सांस लेते हैं। आप किसकी सहायता से सांस लेते हो, आप या हम किसकी सहायता से बच्चों? वेरी गुड, बताओ किसकी सहायता से? फेफड़ों। क्या लिखोगे इस पहले खाली स्थान में? हम फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। किसकी सहायता से? फेफड़ों की सहायता से। चलिए दूसरा देखिए आप, हम खाली स्थान है, यहाँ पर हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? हम के द्वारा सोचते हैं। अब हम किसके द्वारा सोचते हैं, पढ़ा है ना आपने? क्या लिखोगे इस खाली स्थान में बच्चों? क्या लिखोगे? मस्तिष्क। क्या लिखोगे? मस्तिष्क। खाली स्थान में हमारे क्या आ जाएगा? मस्तिष्क, यानी हम मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। मस्तिष्क सोचने समझने का कार्य करता है, तो हम यहाँ पर मस्तिष्क लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, भोजन का अवशोषण, यानी आप जो भोजन करते हैं फिर वो पचता है, तो जो अवशोषण होता है भोजन का वो कहाँ पर होता है जाके? आपने पढ़ा है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो। क्या लिखोगे? भोजन का अवशोषण करती है, कौन करती है? छोटी आंत। पढ़ा है ना आपने? क्या लिखोगे? छोटी आंत। ठीक है, आप अगर पाठ ध्यान से पढ़ते हैं और जो आपको यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आप साथ के साथ लिखते हैं कॉपी में और उसको याद करते हैं, तो आप सभी प्रश्न उत्तर आराम से कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, चौथा यानी घर खाली स्थान है शुरू में ही, मैं असंख्य वायु कोश होते हैं। अब किसमें असंख्य वायु कोश होते हैं, पढ़ा है ना आपने? क्या लिखोगे इसमें? असंख्य वायु कोश, वायु कोश नाम लेती है, आपको पता है वायु का काम किस पार्ट में होता है? फेफड़ों में होता है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? फेफड़ों में असंख्य वायु कोश होते हैं। ये हमारे चार खाली स्थान हो गए हैं, पहले में फेफड़ों, दूसरे में मस्तिष्क, तीसरे में छोटी आंत, चौथे में फिर आप फेफड़ों लिखोगे। फेफड़ों में असंख्य वायु कोश होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा डे वाला यानी पांचवा खाली स्थान है बच्चों, पढ़ो इसको। ग्रसिका का पिछला भाग से जुड़ा होता है। अब ग्रसिका का पिछला भाग किससे जुड़ा होता है, पढ़ा है ना आपने? क्या लिखोगे? आमाशय। तो ग्रसिका का पिछला भाग किससे जुड़ा होता है बच्चों? आमाशय से। ये खाली स्थान है, मैंने आपको बोर्ड पे करके बताए हैं, आप ऐसे ही कॉपी में भी करेंगे और किताब में आप इनको रिक्त स्थानों को भरोगे। ये आपका रिक्त स्थान यानी प्रश्न नंबर तीन पूरा हुआ, ध्यान से आप करोगे और याद भी करोगे। चलिए अब हम आगे किस अभ्यास कार्य के बारे में बात करेंगे, निम्न के प्रश्न उत्तर करो। प्रश्न उत्तर भी आए हैं, पाठ पढ़ा है हमने, पाठ की जानकारी ली है, तो उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी तो करेंगे ना। तो पहला प्रश्न यानी क्या है, मस्तिष्क का हमारे शरीर में क्या महत्व है? तो मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उत्तर लिखोगे, मस्तिष्क हमारे शरीर
आगे लिखिए मस्तिष्क हमारे शरीर पर हमारे शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखता है, शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखता है। ये आपका मस्तिष्क का क्या महत्व है। अब शरीर पर नियंत्रण, अंगों में मान लो आपकी ज्ञानेंद्रियों पर भी आपके शरीर के जो प्रत्येक अंग उन पर शरीर नियंत्रण रखता है, और यह सोचने समझने का कार्य करता है। ये हमारा मस्तिष्क का शरीर पर महत्व है, यानी मस्तिष्क का हमारे शरीर में क्या महत्व है, ये उत्तर है। आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे पहला पॉइंट हो गया मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, दूसरा हो गया मस्तिष्क हमारे शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखता है, यह सोचने समझने का कार्य करता है। ये आपका पूरा उत्तर है। आप इसको कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, मैं हट रही हूँ साइड में, एक बार आप देख लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या स्टॉप करके कॉपी पर लिखिए और याद करिए। अब हम आगे के प्रश्न उत्तर भी इसी तरह करेंगे। हाँ बच्चों, चलिए हम आगे के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, ख क का हम कर चुके हैं। हमारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं? हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं? इनके कार्य का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर क्या लिखोगे आप बच्चों, कैसे लिखोगे? देखो इधर, हमारे शरीर में कितने हैं फेफड़े बच्चों? दो फेफड़े हैं। अब इनके कार्य क्या है? फेफड़ों फेफड़ों का कार्य सांस लेना होता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। फेफड़े कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं। हमारे शरीर में दो फेफड़े हैं। फेफड़ों का कार्य सांस लेना होता है। दो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का कार्य सांस लेना होता है। गय वाला देखिए, शरीर में यदि हृदय
कार्य करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? आपको बताया था यदि हृदय कार्य करना बंद कर देगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी अगर हमारा हृदय कार्य कर रहा है तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग भी कार्य कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो इसका उत्तर, शरीर में यदि हृदय कार्य करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? मृत्यु हो जाएगी। शरीर में यदि हृदय कार्य करना बंद कर दे तो मृत्यु हो जाएगी। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब आप चौथा प्रश्न यानी कि गह वाला देखिए। रुधिर को कौन शरीर में कौन पहुंचाता है? उत्तर लिखिए इसका। रुधिर को शरीर में हृदय पहुंचाता है। क्या उत्तर आएगा इसका? रुधिर को शरीर में कौन पहुंचाता है? रुधिर को शरीर में हृदय पहुंचाता है। देखिए पांचवा प्रश्न। भोजन का पाचन कहाँ होता है? उत्तर, भोजन का पाचन कहाँ होता है? बच्चों, पेट में होता है। ये आपके प्रश्न उत्तर जो कि पूरे हो गए हैं, पांच हैं। पांचों प्रश्न उत्तर मैंने बोर्ड पे कराए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में। उसके बाद में आप इनको याद भी कीजिए। मैं साइड में हट रही हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए। किताब से आपको मिलाकर प्रश्न उत्तर करने हैं, जो बोर्ड पे लिखाए हैं वो भी आप अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे।